सर विक्रम 2 में सूर्या का रोलेक्स कैरेक्टर को काफी ज्यादा पसंद ऑडियंस की तरफ से किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही शानदार कैरेक्टर लगा उनकी एंट्री जिस प्रकार से बताई थी, बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब पूरी फिल्म में तो नहीं है विक्रम, में वो आखिरी के टाइम में आते, क्लाइमेक्स के समय के बाद आते हैं वो, तो क्या होता है कि मतलब उनका ज्यादा बड़ा सीन भी नहीं, 4 या 5 मिनट का, लेकिन वो 4 या 5 मिनट में ही क्या है कि मतलब पूरा शो खींच लिया उन्होंने, मतलब पूरा अपने नाम कर लिया। मतलब आप वो पूरी चीज़, मतलब विजय सेतुपति की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है फिल्म के अंदर, लेकिन वो सारी चीज़ों को आप सब कुछ भूल जाएंगे, कमल हसन सर की परफॉर्मेंस सब कुछ, वो जिस तरह से उनकी एंट्री हुई और वो आए हैं, वो जो है वो एक को पकड़ के मारते हैं और वो सब खून फेस पे आता है, जैसे दाढ़ी में उनका लुक रहता है, फिर वो ऐसे देख के हंसते हैं, वो पूरा जो सीन है इतना बेहतरीन लग रहा है, वो इतना गजब लगा है। मतलब जैसे क्या हुआ था ना, जैसे पुष्पा के टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि पुष्पा में क्या हुआ था कि फिल्म बड़ी अच्छी सब कुछ चल रही थी, आपको बड़ा मजा आता, लेकिन आखिरी के आधे घंटे में, मेरे ख्याल से 20 मिनट में फहद फाजिल आए थे और लोगों को मतलब मजा आ गया था, फहद फाजिल पूरा शो खींच के ले गए थे एक तरह से, उसी तरह की चीज़ें लेकिन उन्होंने 5 मिनट में ही कर दिया। हालांकि मैं पुष्पा से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कहीं पर भी, क्योंकि सूर्या जो है बहुत अच्छा एक्टर है और ज़्यादा पुराने और बहुत बड़े सुपरस्टार है, फहद फाजिल सब उन्हें सर कहते हैं सभी लोग, तो सूर्या बहुत ही बढ़िया एक्टर है, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, मुझे पर्सनली बहुत उनका काम पसंद है। हाल ही में मैंने उनकी एक जो फिल्म लेटेस्ट देखी थी, लास्ट मुझे जो याद है, मैंने जय भीम देखी थी, ऑस्कर तक में नॉमिनेट हुई है उनकी फिल्म, आप कुछ सोचिए, नॉमिनेट इन द सेंस, वैसे ऑस्कर के लिए ऑफिशियल नॉमिनेशन नहीं हुआ था वहाँ से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज में, लेकिन ऑस्कर ने उसको फीचर किया था, ऑस्कर के यूट्यूब चैनल पर भी आप जाकर उसको देख सकते हैं, जय भीम का उन्होंने एक सीन डाला हुआ है, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बिल्कुल रियलिस्टिक बेस पर थी, रियल कहानी पर सब कुछ था पूरा, जो एक वकील थे रियल उन्होंने जो किया था, उन्हीं का कैरेक्टर सूर्या ने किया था, बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी, उस पूरी फिल्म को बनाने में भी उन्हीं का पूरा योगदान था, हालांकि डायरेक्शन नहीं है उनका, लेकिन उस फिल्म को बनाने में उन्हीं का योगदान था, लीड भी उन्होंने किया था, बहुत अच्छे एक्टर हैं, सिनेमा की उनको बहुत अच्छी समझ है, बहुत बढ़िया काम भी करते हैं। इस फिल्म में कमल हसन सर ने खुद ही बताया, जैसे कि कमल हसन सर को सिर्फ एक फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी सूर्या को, और वो एक ही फ़ोन कॉल किया और बस उनका काम हो गया, और वो सूर्या करने के लिए तैयार हो गया रोल, कि मैं ये रोल कर लूँगा, बात खत्म, कमल हसन सर पे इतना विश्वास था, तो उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से काम किया, और अब तो ये सुनने में आ रहा है कि आगे वाले विक्रम 2 में भी आएंगे, तो अलग लेवल का धमाल मचाने वाले सूर्या, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं विक्रम 2 के लिए भी, और रोलेक्स का किरदार उनका छा चुका है, पूरी तरीके से सोशल मीडिया सब कुछ भर जाने वाला है रोलेक्स ही रोलेक्स से।